Which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss the remaining numericals of chapter number 6. We discussed till problem number 19, and now we are going to discuss problem number 20. As you can see that in this particular numerical, they have given you the coupon interest rate and the yield to maturity. Yield to maturity is basically the required rate of return or the return that the market is providing. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे आई कंसीडर कर रहे हैं और कूपन रेट तो हमें पहले ही पता है 6%. अब उन्होंने कहा विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर और एनी सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशन, यू जस्ट हैव टू प्रिडिक्ट कि जो भी हमारा बॉन्ड की प्राइस होगी वो क्या आएगी, प्रीमियम पे होगी. अगर 1000 का बॉन्ड है तो वो पार, अगर लेट्स सपोज वो पार वैल्यू क्या है 1000 है, आप यहाँ पे सिर्फ देख के आपने बताना है कि कब बॉन्ड प्रीमियम पे सेल होगा और कब वो डिस्काउंट पे सेल होगा. क्योंकि कूपन रेट 6% है, मार्केट रिटर्न ज़्यादा दे रही है, क्योंकि हर कोई मार्केट की तरफ जाएगा कि मार्केट 10% दे रहा है, आप तो सिर्फ 6% दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सूरत हाल में हमारी सेल्स क्या होगी, वो इफेक्ट होगी, हमें बॉन्ड को डिस्काउंट पे सेल करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारा कूपन रेट कितना है 6%, हम 100 रुपीज़ पे सिर्फ 6 रुपये दे रहे हैं, जबकि मार्केट उसी 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ दे रही है. इसका मतलब है सारे मार्केट की तरफ जाएंगे, आपकी बॉन्ड को कोई परचेज नहीं करेगा. इन ऑर्डर टू टैकल दिस सिचुएशन, आप क्या कहते हैं कि सर वी आर रेडी टू सेल एट डिस्काउंट, वही 100 रुपीज़ का बॉन्ड आप हमसे ले लें, हम आपको वही 90 रुपीज़ का दे देते हैं. फिर अगली सिचुएशन में देखें कि यू आर गिविंग 8%, मार्केट इज गिविंग 8%, इट मीन्स दैट विल बी गिवन दैट यू विल सेल एट पार, जितने की आप रिटर्न दे रहे हैं मार्केट भी उतना रिटर्न दे रही है, तो आपको अपना बॉन्ड पार के ऊपर सेल करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखें आप 9% दे रहे हैं, मार्केट 7% दे रहे हैं, इस पे आपको किस पे सेल करना चाहिए, प्रीमियम पे सेल करना चाहिए, यानी आप 100 रुपये पे 9 रुपीज़ देंगे, जबकि मार्केट उसी $100 पे आपको $7 देगी, यानी आप मार्केट से ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो सारे लोग आपकी तरफ आएंगे और आप कहेंगे कि नहीं सर वी आर रेडी टू सेल एट प्रीमियम, हम 100 का नहीं देंगे क्योंकि हम उस पर रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं, हम 110 का देंगे. फिर यहाँ पे देखें ये अगेन वो आ गया कि आप 7% दे रहे हैं, यानी आप $7 देंगे, जबकि मार्केट उसी बॉन्ड पे $9 देने को तैयार है, तो सारे मार्केट की तरफ जाएंगे, तो आपको अपनी सेल को मैनेज करने के लिए आप कहना, आप कहेंगे कि सर वी आर रेडी टू सेल एट डिस्काउंट. एंड द लास्ट थिंग इज अगेन आप $120 देंगे, अगर 1000 का बॉन्ड हो, मार्केट उस पर सिर्फ $100 दे रही है, आप मार्केट से ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब है आप कहेंगे कि सर वी आर रेडी टू सेल एट प्रीमियम. सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर न्यूमेरिकल, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6-20. अब हम प्रॉब्लम नंबर 6-21 पे आते हैं, ये वही वाला न्यूमेरिकल है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में लास्ट चीज डिस्कस की थी, जिसकी हमने डेरिवेशन भी की हुई है. ठीक है, अब दोबारा से डेरिवेशन और इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम सिंपल सा इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे आएंगे. यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी इज बेसिकली द आई प्लस पार वैल्यू माइनस मैच्योरिटी वैल्यू और द मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. ये हम इसकी डेरिवेशन पूरी पढ़ चुके हैं, अगर याद जिसे नहीं आ रहा थ्योरेटिकल पोर्शन का जो लास्ट न्यूमेरिकल किया है, हम उसके ऊपर वो जाके चेक कर सकता है. यहाँ पे जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आई की वैल्यू के नीचे ही डिवाइड या यहाँ तक डिवाइड कर देते हैं एन पे, ऐसा नहीं करना. आई एक सेपरेट चीज़ है, प्लस करके ये चीज़ अलहदा से है, फिर ये डिवाइड करके ये चीज़, इसकी डेरिवेशन मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, देर इज़ नो नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूला, मैंने हर चीज़ को समझाया हुआ है कि ये फार्मूला कैसे बना है. ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप देखें द सलीम सेलिम कंपनी बॉन्ड्स करेंटली सेल्स एट 9.55, ये मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस है. ठीक है, 9.55 हैज़ अ 12% कूपन रेट, 1000 पार वैल्यू है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 मल्टीप्लाई 12% $120 हमारा कैपिटल आई आ गया. ठीक हो गया, पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड एज एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 ईयर्स आ गया, कैलकुलेट द YTM, उन्होंने YTM कैलकुलेट करने को कहा. आई की वैल्यू कितनी आ गई है, $120 प्लस पार वैल्यू $1000, 1000 माइनस मेच्योरिटी वैल्यू कितनी 9.55 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 9.55 डिवाइडेड बाय 2, और जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसे मल्टीप्लाई 100 करना है. अब यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आपने ये वैल्यू अलहदा निकालनी है, उसमें प्लस करना है 120 को, फिर डिवाइड करके ये वैल्यू अलहदा निकालनी है, सारी वैल्यूज निकालने के बाद मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका ये यील्ड टू मैच्योरिटी आ जाएगा. ठीक हो गया, हमेशा याद रखिएगा ये जो रिटर्न होता है ये बिफोर टैक्स होता है. अभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में या चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह हम बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करेंगे. हमेशा ये जो रेट होता है ये आफ्टर टैक्स लिया जाता है, आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे. इसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन द रिलेशनशिप
that exists between the coupon interest rate and yield to maturity. हमने इस relationship के बारे में बाद पहले भी कई ये वाला problem number 20 पे भी discussion कर दिया कि क्योंकि आप लोग दे रहे हैं 12% और market का ये जो return आया, let's suppose, अब मुझे तो नहीं पता calculation के बाद answer क्या आता है, अगर तो वो आता है 13%, तो आपका bond किस पे issue होगा? आपका on discount पे issue होगा, क्योंकि आप 12% दे रहे हैं जबकि market 13% दे रही है. कोई भी आपका bond purchase करने नहीं आएगा. इस सूरत हाल में अपनी सेल्स को टैकल करने के लिए आप कहते हैं कि सर हम रेडी हैं, ताकि हम डिस्काउंट पे भी सेल करने पे रेडी हैं. अगर लेट्स सपोज आपका आंसर, ये जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर ये 12% आता है, कूपन रेट कितना दिया हुआ है 12%, तो आप क्या करेंगे कि द बॉन्ड विल इशू एट पार, ठीक हो गया. और अगर ये जो आप सारा कैलकुलेट किया है, ये आपका 8% आता है और जो आपका कूपन रेट कितना है 12% आता है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आई 8%, कूपन रेट जो है वो आपका 12%, तो हम इसे किस पे इशू करेंगे? हम प्रीमियम पे इशू करेंगे, बिकॉज वी आर गिविंग 12% बट द मार्केट इज गिविंग ओनली 8%, तो हमारा ये बॉन्ड प्रीमियम पे इशू होगा. ये रिलेशनशिप पे बारे में बात होगी. अब इसके बाद ये प्रॉब्लम 22 जो है, इसके अंदर ए पार्ट में उन्होंने YTM निकालने को कहा, सेम मेथड है, और फिर रिलेशनशिप के बारे में बात की है. अब यहाँ पे ए बी सी डी ई पांच YTM निकालने को कहे, मैं आपको एक निकाल के दिखा रहा हूँ, और इन द सेम मैनर यू विल कंप्यूट द रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स. अब ए वैल्यू के अंदर हमने YTM जो कैलकुलेट करना है, हमें जो पहला फैक्टर चाहिए वो हमें चाहिए I का फैक्टर. I निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? पार वैल्यू कितनी है 1000, I हमारा कूपन रेट कितना है 9%, तो यहाँ पे $1000 मल्टीप्लाई 9% डेट विल बी इक्वलेंट टू $90. ये हमारे पास क्या आ गया, I की वैल्यू आ गई, प्लस सेलिंग प्राइस कितनी है 820, यहाँ पे $1000 हमारा क्या आ गया पार वैल्यू, माइनस 820 डिवाइडेड बाय n, n कितना है नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी 8 ईयर, डिवाइडेड बाय $1000 प्लस 820 डिवाइडेड बाय 2. अब ये चीज़ अलहदा से, ये इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे $90 आ जाएगा. इसकी वैल्यू अलहदा से निकालनी है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू अलहदा से निकालनी है. पूरी तरीके से कैलकुलेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करके यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट 100 एंड आपके पास ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा, ठीक हो गया. और फिर उसी के बाद है कि पर आपने हर जगह पे ये वैल्यू कैलकुलेट उसे कंपेयर करना है. अब ये जैसे आंसर आएगा, ये आपका लेट्स सपोज आंसर आता है 13%, आपने ये बताना है कि ये पार पे इशू होगा, प्रीमियम पे इशू होगा या डिस्काउंट पे होगा. अगर हम 13% हमारे, हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 9%, हम सिर्फ 9% दे रहे हैं, मार्केट 13 दे रही है, डेफिनेटली हमने इसे डिस्काउंट पे सेल करना पड़ेगा, ठीक हो गया. डेट इज योर प्रॉब्लम नंबर 22, ठीक हो गया. इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट अगला न्यूमेरिकल आता है वो आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 6-23. प्रॉब्लम 6-23 के अंदर देखें आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. उन्होंने पहली हमें क्या दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड निकालनी है, ठीक है. ये ए पार्ट में बॉन्ड वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है. पार वैल्यू कितनी है बॉन्ड की, पार की, बॉन्ड की पार वैल्यू आपको, अब यहाँ पे जरा कैमरा में आपको सही करके दिखा दूँ. हाँ, यहाँ पे आप देखें $1000 आपको पार वैल्यू दी है, कूपन रेट आपको कितनी, यील्ड टू मैच्योरिटी आई की वैल्यू 12% दी हुई है. बॉन्ड ए हैज़ अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, बॉन्ड बी हैज़ अ कूपन रेट ऑफ 12%. अब उन्होंने क्या हमसे कही है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करके कहा है, एन इज इक्वल टू 5 ईयर कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले तो आप आई की वैल्यू निकालें ना ए बॉन्ड के लिए, फॉर ईच ऑफ द बॉन्ड. मैं सिर्फ बॉन्ड ए का कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, आपने बी बॉन्ड का इसी सूरत में खुद ब खुद कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पे देखें कि कूपन रेट कितना दिया हुआ है, ए बॉन्ड का कूपन रेट 6% है, 1000 आई की वैल्यू निकालने के लिए आई इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 6% डेट विल बी इक्वल टू $60, ठीक हो गया. आई इज इक्वल टू $60 आ गया. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए वेयर एन इज इक्वल टू, एन कितना है नंबर ऑफ ईयर्स मैच्योरिटी 5 ईयर दी हुए हैं, और आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू उन्होंने आपको 14% नहीं नहीं आई की वैल्यू आपको यील्ड टू मैच्योरिटी आपको 12% दी हुई है. यहाँ पे आप 12% लिखेंगे, फिर आपको 1000 उसकी पार वैल्यू आ गई into present value interest factor where n is equal to 5 and i is equal to 12%. इस तरह आपने बॉन्ड ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. उसके ये वैल्यू अलहदा आ जाएगी, ये अलहदा आ जाएगी. अब मैं बगैर देखे और बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए आपको बता देता हूँ कि आपका जो वैल्यू आएगी ना बॉन्ड की वो डिस्काउंट पे आएगी. क्यों, 1000 से कम आएगी. क्यों, क्योंकि आप इंटरेस्ट कूपन दे रहे हैं 6% जबकि मार्केट रिटर्न दे रहे हैं 12%, तो ये डिस्काउंट पे 1000 से बहुत कम वैल्यू आएगी, ठीक है. इसके बाद नियर अबाउट हाफ आएगी वैल्यू, ठीक है, 5100 आएगी वैल्यू. अब इसके बाद आप ये बॉन्ड बी पार्ट भी सॉल्व कर, बी बॉन्ड का भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया. ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया. उसके बाद बी पार्ट में वो कहते हैं कि
बी पार्ट स्किप कर दें, सी पार्ट भी स्किप कर दें, डीज और ई भी स्किप कर दें, ये चारों पार्ट आप स्किप कर दें। आपने सिर्फ इसका ए पार्ट करना है जिसमें उन्होंने आपको ए और बी बॉन्ड, ए और बी के कैलकुलेशन बताई है। बी बॉन्ड में कूपन 14% है, पार वैल्यू 1000 है, 1000 का 14% लेंगे डेट विल बी 140। और इसी तरह आपने क्या करना है, मेच्योरिटी नंबर ऑफ ईयर्स आई इज इक्वल टू 12% दे दिया जाएगा और n इज इक्वल टू 5 दे दिया जाएगा। इसकी आपको जो कैलकुलेटेड कैलकुलेशन के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आई निकालने के लिए 1000 मल्टीप्लाई 14% डेट विल बी 140, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए वेयर n इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 12% प्लस 1000, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वेयर n इज इक्वल टू 5 एंड आई इज इक्वल टू 12%। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरीके से सारी की सारी कैलकुलेशन करके बी बॉन्ड की भी आंसर निकाल लेना। तो डेट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, डेट इज न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 6। इसका जो प्रॉब्लम नंबर 24 और 25 है, और 24 एंड 25 और 26 ये हम स्किप कर रहे हैं। आपने मतलब प्रॉब्लम नंबर 23 तक जितने न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं वो आपने पेपर के लिए सॉल्व करने हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।